अच्छा जी, अच्छा जी, तो हम ये बात कर रहे थे कि हमारा मकसद बेसिकली रिग्रेशन में क्या होता है कि हम एक ऐसी इक्वेशन हमें मिल जाए जी हमारा, तो हम ये बात कर रहे थे कि हमारा ओवरऑल रिग्रेशन में मकसद ये होता है कि हमें एक ऐसी इक्वेशन मिल जाए जिससे हम बिहेवियर प्रिडिक्ट कर सकें कि कौन से वेरिएबल्स हैं जिनकी वजह से हमारे आउटपुट पे फर्क पड़ रहा है, और वो जितनी अच्छी हमें इक्वेशन मिलेगी उतनी अच्छी हम प्रिडिक्ट कर सकेंगे। तो ये आपकी बात ठीक है कि रियल लाइफ में तो बहुत अच्छी प्रिडिक्शन नहीं मिलती है, लेकिन अच्छा मॉडल तलाश करने का बहरहाल एक हमें पूरी कोशिश करनी होती है ना, और एन मुमकिन है कि हम इसकी जो रिगर की हम डिस्कशन कर रहे हैं मुख्तलिफ तरीकों से अच्छे मॉडल तक पहुंचने में, तो हो सकता है कि हम बहुत करीब पहुंच जाएं। 99.9 ऑब्वियसली एक अनरियलिस्टिक किस्म की, फैंटास्टिक किस्म की फिगर है, लेकिन स्टिल जब हमारे पास बहुत सारे मॉडल आ जाएं और किसी में 90 है, किसी में 91 है, जनरली 80 आ रही थी, तो हमें बहुत फर्क पड़ जाएगा और हम अच्छा प्रिडिक्ट कर सकेंगे। तो उस सेंस में फिर हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए कि हम मुख्तलिफ तरीकों से एनालिसिस करें और अच्छे मॉडल पे जाने की कोशिश करें। तो मैं अभी मिनट ऐप में वापस जा रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने बेसिकली यहाँ पे क्या किया था कि सिर्फ क्वाड्रेटिक यूज करके पहले कोशिश की, उससे भी अच्छी फिट नहीं आई, फिर इनवर्स डेटा को किया, इनपुट को, और फिर किया रिग्रेशन रन, तो काफ़ी अच्छी 99.9% आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये सब लीनियर रिग्रेशन के अंदर हो रहा था, अब मैं नॉन लीनियर से इसी डेटा को एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट जस्ट इसका मैं नाम बदल दूँ, डिस्कशन याद रहे कि ये क्या था, इनवर्स। अच्छा जी, तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं नॉन लीनियर रिग्रेशन में आता हूँ। नॉन लीनियर रिग्रेशन, इसमें हमारा रिस्पॉन्स इनपुट है और एक बहुत अच्छी कह रहे हैं कि एक सहूलत हमें मुयसर की हुई है मेरी टैब में, वो है ये यूज़ करना। ये इसमें आप देखें तो ये मुख्तलिफ फंक्शंस नॉन लीनियर के यहाँ पे लिखे हुए हैं, और इधर आप देखें तो इन फंक्शंस की जो कह लें कि डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ल जो बनती है, ग्राफ की शक्ल बनती है, वो भी दी हुई है। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता इससे नीचे आता हूँ और देखता हूँ कि कौन सी ऐसी शक्ल है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले लीनियर में मॉडल करने की कोशिश की, तो मुझे अपने डेटा की एक शक्ल नज़र आ रही थी, एसिम्प्टोटिक शक्ल नज़र आ रही थी। तो मैं यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा हूँ, तो ये एसिम्प्टोटिक रिग्रेशन केव में मुझे वही शक्ल नज़र आ गई है। मैं और नीचे जाता हूँ और जिस देखता हूँ कि कोई और चीज़ तो मुझे बेहतर फिट नहीं कर रही, तो ये भी कुछ बेहतर है, कॉनकेव टू भी ठीक लग रही है। नॉन लीनियर, तो मैं फिर ऐसे करता हूँ कि मैं एसिम्प्टोटिक पे ही नॉन लीनियर रिग्रेशन रन करता हूँ, देखता हूँ क्या आउटपुट आ रही है। मेरी रिस्पॉन्स हमने इनपुट को रख सॉरी रिस्पॉन्स हमने आउटपुट को रखा था, और यहाँ पे प्रिडिक्टर हमारा इनपुट होगा। इसको ओके करता हूँ मैं, इसको रिपीट कर दिया,
वैल्यू कभी तो ये इसमें कोई गड़बड़ है, लेकिन बहरहाल द आइडिया है इसके हम ये इतनी कॉम्प्लेक्स होती है एक्चुअली ये नॉन लीनियर रिग्रेशन के इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद भी ना कोई ऐसा वेरिएबल रह जाता है जिसको आप नहीं कर सकते। तो मैं इसको थोड़ी देर देखता हूँ और मेरा और जो भी इसके गलती है ना मैं उसको ठीक करके आपके साथ शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे ये वही चीज़ें जो कि हमने मैं इसको देखता हूँ और ठीक करके आपसे शेयर करता हूँ। ये फिर एक समरी सी यहाँ पे है कि हमने कौन सी कर्व फिटिंग यूज की थी।